पॉपुलर क्लब्स आपको नजर आने वाली है। तो सबसे पहले और अच्छा वहाँ पर खास और कंचना की हम बात करें तो नंबर 5 जर्सी हमने जैसा पहले भी बताया कि जेएस जी वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज में हमने देखा था और इनका प्रदर्शन उस समय भी ऐसा है और मैट पर खेलने का काफी अच्छा अनुभव है। कन्नगी नगर के खिलाड़ियों को देखते हैं कि क्या कुछ समय लगेगा यहाँ पर। वीएमबी गर्ल्स बहुत ही अच्छा वहाँ लोगों आपको नजर आता है और जब आप बात करते हैं कन्नगी नगर की तो उनका भी यूनिवर्सल स्पोर्ट्स ऑफेंसिव स्किल्स के साथ साथ आप में डिफेंसिव स्किल्स होना अपने आप को बचाना आना बहुत जरूरी है। बट यहाँ नहीं बचा पा रहे, अच्छी रेड लगाई है पिछली रेड में कन्नगी नगर की एमसू जी ने। नंदिनी मौजूद है रेफरी के तो अब कितना अंदर जाने का प्रयास करेंगी। अच्छी किक लगाई है, बहुत ही अच्छी किक और क्या टोटल किया या फिर वो किक लगाया और किसे शिकार बनाया है। कीर्तिका वहां पर आपको नजर आती है राइट कॉर्नर पर, हम बात ही करने वाले थे। 63.63 इस कारण की ज्यादा रेडियन लगाने का मौका नहीं मिला था बट जब 2 साल के अंतराल में वहां पर जिस तरह से एडिशन का हो जाना, 1000 से ज्यादा मुकाबले लगभग 1013 मुकाबले हो चुके क्या ये और नहीं कोई खासा एफर्ट आपको राइट कवर से नजर आया। 1 पॉइंट मिल जाएगा स्कोर पुनः एक बार बराबरी पर 6-6 और कंचना रवि अच्छा पॉइंट क्या अर्जित कर पाई है आर कार्तिका, इन्होंने वो शुरुआत की थी पर ये लीजिए इसे कैच की अटैक करती है अच्छी बट अटैक यहाँ खराब था। अंकों पर पहुंच चुकी है वीएमबी गर्ल्स चेन्नई वहां पर 10 पर है, कन्नगी नगर 6 पर है। पॉइंट लाना अनिवार्य है, अगर यहाँ से पॉइंट नहीं मिलेगा तो ऑल आउट हो जाएंगी। कमजोर लग रही थी वो प्रयास में, वो आपको चपलता नहीं नजर आ रही थी, वो अग्रेशन नहीं नजर आ रहा था कि आप एक पॉइंट चुरा पाए और यहाँ पर 3 पॉइंट जरूर मिल जाएंगे। तो जो हम जिस तरह से उन्होंने सरप्राइज टैकल्स वहां पर बड़े बड़े फाइनल्स में किए, शक्ति वेल थंगोबेदर की तरफ आई है कार्तिका, इन्होंने पॉइंट लाने की शुरुआत की थी। फुटवर्क अच्छा नजर आ रहा है, फुटवर्क अच्छा नजर आ रहा है और अधिकतर वो लेफ्ट कॉर्नर के सामने उन्होंने फुटवर्क दर्शाया है और एक बार जब लेफ्ट कॉर्नर ने उन पर अटैक, बहुत ही बढ़िया साधारण प्रदर्शन क्या इस बार है रेडर की तरफ से। बिल्कुल फिर से फ्रंटल ब्लॉक आपको नजर आया, इस बार फिर से वहां पर मुथु प्रिया मौजूद थी और आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का एक्साइटमेंट है। मुथु प्रिया बहुत अच्छा फ्रंटल ब्लॉक किया, बहुत अच्छा फ्रंटल ब्लॉक करके पूरी तरह से वहां पर लेफ्ट रेडर के तौर पर आपको लेफ्ट टर्न करने की आवश्यकता थी। अच्छा क्या पॉज के साथ जो जंप लिया है और 5-5 बराबरी पर था कुछ समय पहले, उसके बाद से कैसे पलटा है, क्या ये वहां पर एक कमाल का क्षण है। बहुत कम बार आपको कभी भी मौका नहीं दिया रेडर को बाहर निकल कर आने का। अब 2 मिनट से कम का समय शेष बचा है, पहला हाफ है, एक बार और ऑल। ये इन युवा प्लेयर्स को अभी से समझना पड़ेगा कि आप अभी से आप कैसे मल्टी डायमेंशनल अपने मिनट के आसपास में ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट नहीं मिले थे बट फिर वीएमबी गर्ल्स को अच्छे पॉइंट मिले हैं। बहुत समय ले चुकी है, बहुत समय ले चुकी है, इस बार फिर से एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर के लिए उनका शायद पहला अंक। एमसू जी रेड में पॉइंट लाइए, पॉइंट लाई भी है। नंबर 9 जर्सी राइट कॉर्नर का अटैक आया, थोड़ा सा कमजोर प्रयास था वहां पर और एक अच्छा जंप किया। स्कोर है 7-3 रहेगा कबड्डी के सितारों से, 13 अंकों का अंतर है। आर कार्तिका ने भी अच्छा किया, 83 का रवि क्या मोमेंटम को स्लो डाउन करने जाएंगी या फिर पॉइंट चुराने जाएंगी। थोड़ा सा रोहित यार पहला हाफ 23-10 का स्कोर था, क्या डिफेंसिव पॉइंट मिलेगा या फिर एंटी ब्लॉक के साथ टर्न ने काम किया है, क्या एंटी ब्लॉक के साथ यहां पर टर्न ने काम किया है। जो हमेशा कहते हैं कि लेफ्ट रेडर को लेफ्ट टर्न करना चाहिए और लेफ्ट इज राइट पॉइंट्स कन्नगी नगर जस्ट और सिर्फ 2 ही अंक है, यानी कि आउट तो वहां पर नहीं है और वही शायद रिव्यू की मांग भी थी कि आप 2 पॉइंट दे दीजिए क्योंकि तीसरे खिलाड़ी पर टच नहीं, यानी कि अभी भी मौका है। अच्छा आपको पॉइंट चाहिए रेड में, पॉइंट मत दीजिएगा। गन्नगी नगर का डिफेंस वहां पर नजर आया बट आर कार्तिका क्या इस बार ऑल आउट दे पाएंगे इसी रेड में। यहां से ये एक डिफेंडर है लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका संभालती है, बहुत अंदर चली गई है और अच्छा गन्नगी नगर का डिफेंस संयम बरत रहा है, बहुत पीछे मौजूद है गलत जिम्मेदारी अब गन्नगी नगर के रेडर पर होगी कि इसी रेड में ऑल आउट किया जाए, इसी रेड में ऑल आउट किया जाए। और आर कार्तिका ने कहा कि चलिए यहाँ पर आपको बात को स्वीकार रहा है, टीम को इसकी आवश्यकता थी तो ऑल आउट दे दिया जाएगा। वीएमबी गर्ल्स को ध्यान रखिए आपके रीडर्स को और पॉइंट फिर आप आसानी से इस मैच में और आगे जाने दें वीएमबी गर्ल्स को। बहुत बढ़िया अटैक में हमने देखा है कि बहुत अच्छी स्पीड वहां पर आपको नजर आती है, सुपर देखी नहीं है
इसका अर्थ है कि मैच बहुत शानदार चला है। सुरेंद्र सुपर 10 जैसा हमने पहले भी बताया पूरा कर चुके हैं। क्या कंचना को बाहर भेज सकते हैं आप? अगर कंचना को आप बाहर नहीं भेज सकते हैं तो वहां पर वीएमबी गर्ल्स लगातार आगे बढ़ेगी। सुपर रेड आती हुई वीएमबी गर्ल्स के लिए अक्षय का शिकार बनाइए तो कंचना थोड़ा प्रेशर में आ सकती है। कंचना और अक्षय जब तक दोनों मैट पर मौजूद है वीएमबी गर्ल्स को आप पिछाड़ नहीं सकती है। आप नेशन में गई है तब तक इनके डिफेंस को अच्छे पॉइंट मिले। कार्तिक का अच्छा मौका है। कंचना क्या डिफेंस करती हुई है, वो डिफेंस में वो दो बार बाहर चली गई है और अब कन्नगी नगर इस मैच में छाती ठोक कर आगे आ रही है। ऑल आउट की तरफ वीएमबी गर्ल्स को धकेल रही है। अच्छा अटैक लेफ्ट कॉर्नर मोमेंटम को तोड़ दिया था और क्योंकि शायद परफेक्ट बाहर जाना पड़ा। ऐसे दो खिलाड़ी मौजूद हैं। आर कार्तिका के वहां पर रेड पर है, किक लगाने के लिए तैयार रहिएगा। क्या ये सुपर टैकल है नंबर 3 जर्सी अभी नया क्या पर कमाल कर दिया। क्या वर्षिका वहां पर मौजूद थी, दोनों थाईस पर गई वर्षिका ने। क्या ये देखते हैं कि अब नंबर 9 जर्सी वहां पर आई है एम सूजी। अच्छी किक वहां पर लगा दी और शिकार बना दिया वहां पर राइट कॉर्नर का। नंबर 3 आउट पर बहुत ही जरूरी है ये मैच को थोड़ा सा खेलना। और कार्तिका फिर से 3 का हाउस है, फिर से 3 का हाउस है और एम सूजी इस बार रेड पर है। जी नहीं, शायद आर कार्तिका नजर आ रही है। और क्या ये 2 अंक होंगे? क्या यहाँ अंकों में 23 अंक कार्तिका के हैं? अच्छा को टाटा बाय बाय बोला जाएगा और अब अंतिम कुछ मिनटों में कनक ट्राई करें क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपको टच पॉइंट भी मिल जाए और अगर यहाँ टच पॉइंट मिले तो मैच आप जीत जाएंगे। यही बातचीत हम कर रहे थे आपको। अबला वीएमबी गर्ल्स अपने नाम लगभग कर चुकी है और बिल्कुल 5 अंक एक्स्ट्रा